हम बात करने वाले हैं IILM यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम के बारे में। वैसे IILM के पास तीन कैंपसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लोधी रोड, नोएडा एंड गुड़गांव, राइट। एंड यूनिवर्सिटीज इज बेसिकली जो नोएडा में है एंड गुड़गांव में है, दोनों जगह पे BBA होता है। मेरा एक कैंपस टूर वीडियो भी डला है नोएडा कैंपस का, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट राइट, वो MBA से रिलेटेड डला है इस वीडियो में। आई एम गोना टॉक अबाउट BBA प्रोग्राम, सो लेट्स स्टार्ट। हाई एंड वेलकम बैक। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम IILM यूनिवर्सिटी के BBA प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। 1993 में ये इस्टेब्लिश हुआ था एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूनिवर्सिटी नहीं था, ये कुछ साल पहले यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जहाँ पर हमने बात की है कि BBA आप किन तरह के कॉलेजेस से कर सकते हैं, बट उसी चीज़ को मैं सेम रिपीट करूँगी इस वीडियो में कि अगर आपका ये प्लान है, अगर आपको कैट करके MBA करना है राइट आफ्टर योर BBA, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप स्टेट लेवल के किसी अपनी सिटी के किसी कॉलेज से BBA कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे आप का इन्वेस्टमेंट कम रहेगा, पैरेलली कैट के लिए प्रिपेयर कर पाओगे, प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम कर पाओगे, राइट। बट एक्सपोजर नहीं मिलेगा, इट्स लाइक नाम के लिए डिग्री, जहाँ पे आप जा रहे हो कॉलेज एग्जाम दे रहे हो एंड यू गॉट द CGPA। सेकेंडली आपके पास ऑल दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन है जहाँ पे एक्सपोजर अच्छा है, प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं। बट ऑब्वियसली BBA करने के बाद MBA लगता है, जो इनिशियल पैकेजेस होते हैं वो आप 3-4, 4.5 लाख से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे करिकुलम, आपकी पर्सनैलिटी, ग्रूमिंग एंड एक्सपोजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो दोनों कैटेगरीज में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी 28 प्लस ईयर का कॉलेज है, 1993 AICTE UGC अप्रूव्ड, एंड ये कुछ कोलैबोरेशंस हैं, राइट। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन इन गुड़गांव एंड ग्रेटर नोएडा कैंपस, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि अभी इनका लोधी रोड PGDM ही कराता है। यूनिवर्सिटीज़ आर बेसिकली द गुड़गांव वन एंड नोएडा वन। गुड़गांव एक वेरी पॉर्च लोकेशन पे लोकेटेड है, एंड नोएडा का कैंपस वाइज आई मीन इट लुक्स ब्यूटिफुल। जनरल फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, IB, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसी स्पेशलाइजेशन है। देन लोधी रोड कैंपस की मैं बात करूँ, BBA एंटरप्रेन्योरशिप IB में कराता है, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस मैनेजमेंट में कराता है। देन इसके बाद एलिजिबिलिटी सिंपल है, 12th के बेसिस पे यू हैव टू फिल दी एप्लीकेशन। कई सारे कॉलेजेस के एप्लीकेशन में यू कैन इवन गेट कूपन्स, आप उसके लिए नीचे फॉर्म का लिंक है उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं। या फिर अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है दैट मैं कैसे सही कॉलेज को डिसाइड करूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, बजट, लोकेशन, स्टूडेंट्स के पास कभी भी एक कॉलेज नहीं होता, दे हैव मल्टीपल कॉलेजेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे नीड टू शॉर्टलिस्ट की विच वन इज गुड फॉर मी, राइट। सो उसके लिए अगर आप अभी भी कन्फ्यूज हैं, आप फॉर्म फिल करें, यू कैन रिक्वेस्ट अ कॉल बैक एंड अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होता है एंड देन यू विल बी एबल टू गेट इन टू द कॉलेज, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फीस स्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा 2-2.5 लाख पर ईयर, गुरुग्राम इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, 2,40,000 पर ईयर, एंड लोधी रोड 8 लाख रुपये दिए, बट 8 लाख नहीं है, थोड़ा सा कोई मिस्टेक है, 2.5-3 लाख के अंदर ही फीस स्ट्रक्चर इनका है फॉर बोथ दी कैंपसेस। 59% मेल है, 41% फीमेल है। एवरेज पैकेज 8-10 लाख का, ये 8-10 लाख का इनका MBA का प्लेसमेंट है, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू। तो उसी में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आती हैं, उनका यह है कि हमें अंडर ग्रेज भी चलेंगे, बट आई विल बी ऑन जो एवरेज जो BBA वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एवरेज पैकेज 4-3, 4.5 यही मिलता है, राइट, क्योंकि फ्रेशर्स होते हैं। हाइएस्ट पैकेज 20 लाख का है। बहुत सारे क्लब्स हैं, कमिटीज़ हैं, इवेंट्स होते हैं, कई सारे रिक्रूटर्स, जैसे डेलॉयट आता है, लॉरियल आता है, KPMG। अब ये नहीं है कि ये सारे रिक्रूटर्स हर साल आते हैं, इनमें से कुछ कंपनीज हैं जो हो सकता है 2-3 साल में एक बार आई हैं, कोई कंपनीज ऐसी हैं जो हर साल आती हैं। तो ये सारी कंपनीज आती हैं रिक्रूट करने के लिए। एंड गुड पार्ट इज़ लाइक कि अबाउट दिस कॉलेज की स्टूडेंट के पास मल्टीपल, जैसे कई सारे कॉलेज के साथ क्या होता है कि प्लेसमेंट के टाइम पे अगर आप एक का प्लेसमेंट हो गया तो यू कैन नॉट सिट विद मल्टीपल कंपनीज, बट विद दिस कॉलेज आप कई सारी कंपनीज में बैठ सकते हो। फिनेंस के लिए ये इनका MBA भी जाना जाता है, तो अगर फिनेंस देख रहे हो,
करियर बनाना चाह रहे हो कंपनीज वाइज, तो फिनांस आप कंसिडर कर सकते हो. कई तरह की स्कॉलरशिप भी है राइट, 10+2, बट आपके ऑब्वियसली परसेंटेज के बेसिस पे रहेगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके 100% स्कॉलरशिप है, अगर आप CBSE, ICSE 98% एंड अबव है राइट, ये गुड़गांव कैंपस की मैं बात कर रही हूँ. ग्रेटर नोएडा में अगर आपके 95% एंड अबव है, देन उसके बाद 100% स्कॉलरशिप है. 50% अगर आपके 90 से 97.99 एग्रीगेट हैं 12th में CBSE, ICSE बोर्ड में, 30% है 85 एंड अबव है, 20% है 76 से 85.99 है, 10% स्कॉलरशिप है अगर आपके यू नो 12th में 65 से 75.99 के बीच में है. फी कंसेशन ये भी कई सारी चीज़ों के बेसिस पे है, यू कैन लुक फॉर इट. फैसिलिटीज़ में सारी मिल जाएगी. गुड़गांव कैंपस थोड़ा सा छोटा है बट द लोकेशन इज़ वेरी पॉश. हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी है बट वो सभी को नहीं मिल पाता. ग्रेटर नोएडा आई मीन यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स विद इन द कैंपस, आउटडोर इनडोर गेम्स राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ प्रीटी ब्यूटीफुल, आई मीन यू कैन लुक एट द वीडियो. एंड रिव्यूज़ की मैं बात करूँ तो मैं आपको एवरेज पैकेज बता चुकी हूँ. कुछ स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए उतना सही नहीं रहेगा. तो अगेन हर स्टूडेंट की अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कॉलेज डिसाइड करना है. आपको ये देखना है ROI चाहिए, आपको MBBA के बाद प्लेसमेंट चाहिए, या प्लेसमेंट नहीं आपको यू नो डायरेक्टली MBA करना है, तो उस बेसिस पे यू हैव टू शॉर्टलिस्ट राइट कॉलेज. एंड उसके लिए इफ़ यू फील कि आपको कोई हेल्प चाहिए, फील फ्री टू रीच आउट. बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड फॉलो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड